बच्चों, आपके समर वैकेशन के बाद दोबारा से फिर आपका आपके सब्जेक्ट मैथ में मैं अनिल चौहान वेलकम करता हूँ। आपके एक्सरसाइज 4.1 है, 3 चैप्टर तक आपका कंप्लीट हो चुका था, आज फोर्थ चैप्टर है प्रैक्टिकल ज्योमेट्री। ठीक है, 4.1 एक्सरसाइज है, आपको ये डायग्राम बनाना है। इसके जो मार्क है वो दी हुई है। सबसे पहले आप 4.5 फिटी में मार्क करके अपनी स्केल में खींचेंगे। इसका नाम है ए और ये है बी। ठीक है, इसके बाद आप बी को केंद्र माने, सी है प्रकार में दूरी ले अपने प्रकार में 5.5 की, यहाँ जमा भी होगा ऐसा घुमा रहा है। और आपका ए सी है 7 सेमी, ए को केंद्र माने यहाँ से और इसको जब भी चार करता हूँ वहां से काट देना है, इसको यहाँ से इससे मिलाना है और ये आपका बिंदु सी। ठीक है, ये आपकी है 5.5 cm और ये आपकी है 7 cm। ठीक है, अब आपकी जो बिंदु रह गया है डी रह गया, वो सी और डी है 4 सेमी और ए और डी है 6 सेमी। पहले प्रकार में आप अपने प्रकार में 4 सेमी की दूरी करें और ऐसे एक चाप लगाएं और फिर प्रकार में 6 सेमी की दूरी करें, ए को केंद्र मान करके जहां भी ये चाप करता हूं वहां पे काट दीजिएगा। ये आपकी जो डायग्राम है वो आपका पहला तैयार। ठीक है, ऐसे ही अगला है, इसमें जे यू आप पहले सबसे पहले 3.5 खींचेंगे, जे यू 3.5 सीएम जे यू। ठीक है, इसके बाद आप यू को केंद्र माने और पी की जो दूरी है आपकी यू पी 6.5 है, तो 6.5 आप प्रकार में दूरी भरे और यहाँ से यू को केंद्र मान करके जहां भी लगता हो आपका 6.5 सेकेंड आए चाप जैसे करके लगा देना है। और जे पी आपका है कितना 4.5 सेकेंड, तो आप यहाँ से जे को केंद्र माने और प्रकार में 4.5 सेकेंड की दूरी लेकर के जहां भी नीचे आप लगता हो आपका आप उसको वहां से काट दें। इसको यहाँ से इससे मिला है और इसको यहाँ से ऐसे, ये आपकी है 6.5 cm और ये आपकी है 4.5 cm। अब आपकी ये आपका जो बिंदु हो गया वो हो गया आपका P। ठीक है, अब P को केंद्र माने और जो MP आपकी दूरी 5 सेमी। ठीक है, 5 सेमी यहाँ से ले, 5 सेमी प्रकार में अपने दूरी भर ली और यहाँ से हम एक ऐसे करके चाप लगाना है आपको और फिर यू एम 4 सेमी है, यू को केंद्र मान के 4 सेमी दूरी प्रकार में लेकर के आप अपनी यहाँ से ऐसे काटे, इसको यहाँ मिला है और यहाँ से ऐसे मिला, ये आपकी 4 सेमी है और ये आपकी 5 सेमी। ये आपके दो डायग्राम तैयार हो गए, देखना। ठीक है, पैरेलोग्राम बनाना है आपको, यानी एक समांतर चतुर्भुज बनाना है या ओ आर ई हो, तो सबसे पहले आप ओ आर खींचिए इसमें, ओ आर 6 cm। ठीक है, और आर ई जो है आर को केंद्र मानिए, 4.5 सेमी की दूरी ले लें ऐसे एक चाप लगा दें। ठीक है बच्चों, लगा दिया आपने, तो फिर ओ को केंद्र माने और जो ये है 7.5, यहाँ से आप अपने प्रकार में दूरी भरे 7.5 सेमी, इसको ऐसे काट।
इसको यहां से आप यहां लगाएंगे इसमें, ठीक है, और इसको यहां लगाएंगे, तो आपकी 4.5 cm होगी और ये होगी आपकी 7.5 cm, ठीक है। फिर आपको काम है 6 सेमी की दूरी लेंगे, यही जो की जो यहां से यहां तक थी इको केंद्र माने और एक चाप आपने ऐसा लगा, ठीक है, और फिर 4.5 के डिस्टेंस के लिए दो, ऐसे मिला देनी है, ये आपकी 6 cm और ये आपकी 4.5 cm, ठीक है, ये आपका जो नाम हो गया MOR, ठीक है, ये आपकी एसएमई है। सबसे पहले आपकी ईडी है 6 cm खींच लीजिएगा, ठीक है, 6 cm, फिर आप प्रकार में दूरी लें, ये है E और ये है आपकी T, ठीक है, प्रकार में आप अपनी प्रकार में 4.5 की दूरी भरे और T को केंद्र माने ऐसे चाप लगा देना है और E को केंद्र माने इस चाप को काट देना, ऐसे नीचे लगाना है, ठीक है, फिर यहां से होती है ये सीधी लाइन खींचिए, जहां भी सारे से चार बिंदु आपके डिस्टेंस से आप इसको ऐसे निकालें, ये आपका डी हो गया और ये आपका एस, ठीक है, ये आपकी आकार दिया, एक्सरसाइज कंप्लीट है, ये आप चाप आकृतियां बना लेना, ठीक है।